ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो पैदा होने पर तो काफी कमजोर होता है, लेकिन वो अपने आप को साबित करता है कि एक राजा बनने की सारी काबिलियत उसके अंदर है। तो इस कहानी की शुरुआत में एक छोटे से कबीले को देखते हैं, जहाँ का राजा सिमोन आज पिता बनने वाला था। राजा खुशखबरी के इंतजार में बाहर अपनी प्रजा के साथ खड़ा होता है कि तभी वहाँ पर राजा का सलाहकार व्लादिमीर आता है, जो राजा को बताता है कि महाराज, हमारे सामने एक समस्या आ गई है। राजा को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती, इसलिए वह खुदीरानी के कक्ष में जाता है, जहाँ वह अपनी प्यारे से बेटे को देखकर काफी खुश होता है, जो काफी स्ट्रॉन्ग और उसी की तरह हेल्दी था। तभी उसका सलाहकार व्लादिमीर उसका दूसरा बेटा दिखाता है, जो काफी दुबला पतला और कमजोर था। दूसरे बेटे को दिखाते हुए कहता है कि महाराज, आप इस बेटे ने पहले जन्म लिया है और खानदानी परंपरा के मुताबिक खानदान का पहला वारिस राजा बनेगा। राजा उसे देखकर काफी उदास होता है, क्योंकि वह काफी छोटा और कमजोर था और वह जानता था कि प्रजा कभी भी इसे अपने राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। तभी वहाँ राजा की जादूगरनी, जो एक विच होती है, वो वहाँ पे आती है। वो राजा को दिलासा देते हुए कहती है कि महाराज, आप चिंता ना करें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये तो प्रकृति का दोष है। और राजा व्लादिमीर को उसे मारने के लिए कहता है, पर जब व्लादिमीर छोटे राजकुमार को मारने जाता है तो उस छोटे से बच्चे की मासूमियत देकर उसका मूड चेंज हो जाता है और उसे नहीं मारता। पर जब उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है तो वो राजकुमार रोने लगता है। इस पर व्लादिमीर उसे चलना सिखाता है और उसके साथ खेलता है। धीरे धीरे समय बीतता है और राजकुमार बढ़ता जाता है, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होने की वजह से राजकुमार एडवर्ड अभी भी बच्चे की तरह दिखाई देता है और उसके काम भी बिल्कुल बच्चे की तरह थे। लेकिन एडवर्ड हर बात जानने के लिए काफी उत्सुक रहता था। एक बार जब एडवर्ड अपनी दोस्त के साथ खेल रहा था, इसी बीच एक पौधे को तोड़कर वह यहाँ को सिर्फ फुलाने के लिए कहता है और जब यान उसमें फूंक मारता है तो वो एक बलून की तरह फूल जाता है। पर तभी वहाँ पर एक चिड़िया आकर उसे फोड़ देती है और जैसे ही वो बबल फूटता है, वो यान की नाक पर जाकर चिपक जाती है। ये देखकर एडवर्ड काफी खुश होता है और उस स्टिक को लेकर पास की पत्तियों को उस पर चिपकाने लगता है, क्योंकि यह बात उनके लिए कोई मैजिक से कम नहीं था। तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं। और जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पर एक खेल का आयोजन हो रहा था और उस खेल में राजा का बेटा काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत खुश हो रहे थे और राजा भी अपनी बेटे का खेल देखकर काफी खुश हो रहा था। तभी खेल एक बार फिर से स्टार्ट हो जाता है और राजा का छोटा बेटा वानी एक बार फिर पूरे जोश के साथ खेलना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही गेंद यान के पास आता है, यान अपने आप पर कंट्रोल खो देता है और वह गेंद पकड़ने के लिए नीचे कूद जाता है। उसी के साथ एडवर्ड भी नीचे कूद जाता है और दोनों गेंद के साथ नीचे गिरते हैं, पर वो गेंद उनके हाथ से छूटकर एक गड्ढे में चली जाती है। ये सब देखकर वहाँ के लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। एडवर्ड तो किसी तरह से बचता है, लेकिन वो लोग यान को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। ये देखकर एडवर्ड तुरंत उसी पौधे को तोड़ता है और उसमें फूंक मारकर उसे चिपचिपा बना देता है और उसकी मदद से वह उस बॉल को गड्ढे से निकाल लेता है। वह जब उस बॉल को गड्ढे से बाहर निकालता है तो वो लोग उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर वानी आता है, जो एडवर्ड से बात करने लगता है, पर तभी वहाँ पर व्लादिमीर की नजर एडवर्ड और वानिया के पैरों पर जाती है तो वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन दोनों के पैर बिल्कुल समान थे। वानी एडवर्ड से बाल ले लेता है और खेल को एक बार फिर स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गेंद पर चिपचिपा पदार्थ लगे होने के कारण हाथ में चिपक जाता है और वहाँ के सारे लोग उसके हाथ से गेंद को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अंत में एक बंदर उस गेंद को छुड़ा लेता है और वो जैसे ही उस गेंद को छुड़ाता है, वह जाकर एक पेड़ से टकराता है और वह गेंद राजा के सिर पर चिपक जाता है। ब्लैक बीन्स के सचिव गेंद छुड़ाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उस गेंद को उसके सर से छुड़ाता है, राजा के सर के बाल भी उस जगह से उखड़ जाते हैं। राजा इस बात से काफी नाराज होता है। ये बात सुनकर एडवर्ड पेड़ की पत्तियां सहित एक डाल को तोड़कर लाता है और उसी राजा के सिर पर लगा देता है, जो बिल्कुल क्राउन की तरह लगता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। राजा को उसका चेहरा दिखाने के लिए एडवर्ड एक पट्टी में बरसात का पानी इकट्ठा करता है और वही हम देखते हैं कि राजा की जादूगरनी, जो एक विच होती है, वह मौका पाकर वहाँ से निकल जाती है। इधर एडवर्ड पानी से भरे पत्ते में राजा का उसका चेहरा देखने को कहता है और राजा उसमें फिर से अपने आप को देखता है। वो खुद को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि इससे पहले कभी उसने अपने आप को देखा नहीं था। राजा फिर से उसमें अपने आप को देखता है और इस बार वो अपने आप को देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद एडवर्ड राजा के लिए झूला बनाता है और राजा सिमोन को पर बैठने के लिए कहता है। इधर वो बिच अपनी काली शक्तियों से बहुत सारे मधुमक्खियों को पैदा करती है और मधुमक्खियों को वहाँ के सभी लोगों पर छोड़ देती है। इधर राजा को झूले पर झूलने में काफी मजा आ रहा था कि तभी वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियों उन पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और राजा वहाँ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर वानी एडवर्ड को भी वहाँ से नीचे गिरा देता है, पर इस बात से राजा वानिया पर काफी गुस्सा करता है। और वहीं हम एडवर्ड को देखते हैं, जो नीचे गिरने की वजह से काफी वीक फील कर रहा था। तभी उसके पास यान आता है, जो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन काफी दूर होने की वजह से वह उसकी मदद नहीं कर पाता। तो एडवर्ड वहाँ से आगे की ओर बढ़ता है और इसी दौरान वो एक गड्ढे में गिर जाता है। और जब एडवर्ड गड्ढे से बाहर निकलता है
तो उसे दो ओस्ट्रिच मिलते हैं जो काफी सुंदर थे, और साथ ही उसे वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर दिखाई देते हैं जिसे देखकर काफी खुश होता है। पर तभी वो देखता है कि कुछ जंगली भेड़िये तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे की ओर जाने लगता है क्योंकि एडवर्ड कभी भी अपने दो पैरों से दौड़ा नहीं होता है। पर किसी तरह वह घूम कर पीछे की ओर दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। इधर एडवर्ड द्वारा दी गई पानी से भरे पत्ते में सभी लोग अपने चेहरे को देखकर काफी खुश हो रहे थे कि तभी उनकी नजर एडवर्ड पर जाती है, तो वह देखते हैं कि उसके पीछे बहुत सारे जंगली भेड़िये लगे हैं। एडवर्ड वहाँ से भागते हुए गेंडों के झुंड में चला जाता है, और जब गेंडे भेड़ियों को देखते हैं तो वह वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए गेंडे जब एडवर्ड के पीछे लग जाते हैं, और जब राजा ये देखता है तो वो उसकी मदद करने के लिए अकेला ही चला जाता है। एडवर्ड को बचाते हुए राजा घायल हो जाता है, और काफी चोट लगने की वजह से राजा की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले राजा उसे यह बता देता है कि वो उसी का बेटा है और वानी उसका छोटा भाई है। ये बात सुनकर वानी जरा भी खुश नहीं था। वानी अपने डैड को लेकर वहाँ से चला जाता है। एडवर्ड को जब इस बात का पता लगता है कि वो राजा सिमोन का बेटा है, तो वो काफी हैरान होता है। राजा के मौत के बाद वानी के राजा बनने की तैयारियां शुरू होने लगती है, और वहाँ के लोग भी अपने नए राजा के रूप में वानी को पाकर काफी खुश लग रहे थे। वहीं एडवर्ड और यान उस पेड़ के नीचे जंगल में होते हैं, तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है और एक बिजली आकर सूखे पेड़ पर गिरती है, उसमें आग लग जाती है। एडवर्ड सभी चीजों को जानने के लिए काफी उत्सुक था, इसलिए वो आग देखकर काफी खुश होता है और जाकर जलती हुई पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है, जिससे वह जल जाता है क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वो आग से जल सकते हैं। इसके बाद वो आग से खेलने लगता है, तभी आसमान से एक बहुत बड़ा हॉल स्टॉर्म आता है जो काफी स्ट्रॉन्ग था। उस हॉल स्टॉर्म के रास्ते में जो कुछ भी आता है वो उसे अपने अंदर खींच लेता है, जिसमें एडवर्ड भी उसके अंदर चला जाता है, और उसमें उसकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत फीमेल एल्फ से होती है जिसका नाम लूसी था। एडवर्ड लूसी के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन उस तक पहुंच नहीं पा रहा था, पर वो किसी तरह उस स्थान से बाहर निकल जाता है, और थोड़ी देर बाद लूसी भी वहां से बाहर निकल जाती है जो वहां से गिरकर एक खाई में अटक जाती है। एडवर्ड एक रस्सी की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी कमजोर होने के कारण टूट जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग खाई में गिरने वाले होते हैं, वहां पर एडवर्ड का दोस्त आकर उस रस्सी को पकड़ लेता है। पर जब वो लोग ऊपर आते हैं तो यान की मूर्खता के कारण एक बार फिर से वह खाई में गिर जाते हैं, लेकिन एडवर्ड किसी तरह उन्हें बाहर निकालता है। और जब लूसी को होश आता है तो वह सामने एडवर्ड को देखती है, जिसे देखकर वह काफी डर जाती है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। पर एडवर्ड उसका पीछा करता है और काफी मुश्किलों का सामना करते हुए वो लूसी के पास पहुँचता है, और फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, और इसके बाद वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं। और जब रात होती है तो एडवर्ड वहाँ में से एक लकड़ी में आग लगा लेता है, जिसे देखकर लूसी डर जाती है, लेकिन एडवर्ड उसे समझाता है और उसे लेकर अपने होम की ओर जाता है, जिसे देखकर सभी बंदर काफी खुश होते हैं क्योंकि रात में एडवर्ड की वजह से उजाला हुआ होता है। तभी वहाँ पर वानी आता है, उसे लगता है कि आग उनकी दुश्मन है, इसलिए वह एडवर्ड को वहाँ से चले जाने को कहता है। पर एडवर्ड वानी को समझाता है और कहता है कि आग हमारे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है, और वो बहुत सारे लकड़ियों में आग जलाकर दिखाता है, लेकिन वे सभी को एडवर्ड के खिलाफ भड़का देता है, जिसकी वजह से सभी लोग एडवर्ड वहाँ से मारकर भगा देते हैं। तो वह दोनों गुफा में जाते हैं जहाँ उन्हें भेड़िया मिलता है, पर एडवर्ड आग की मदद से भगा देता है, और वो दोनों रात को उसी गुफा में रहते हैं। एडवर्ड बहुत सारी लकड़ियों की मदद से वहाँ पर काफी उजाला कर देता है। अगली सुबह लूसी और एडवर्ड मिलकर शिकार करते हैं। रात में लूसी जब गुफा में पत्थर को पत्थर से टकराती है तो उसमें से चिंगारी निकलती है। ये सब देखकर एडवर्ड चिंगारी से आग पैदा करता है, और इसके बाद वो लोग डेली शिकार करते हैं और रात वह गुफा में ही बिताते हैं। एक दिन लूसी और एडवर्ड अपने शिकार को कच्चा खा रहे थे तो एडवर्ड एक मरे हुए शिकार को आग में डाल देता है, और जैसे ही शिकार पकने लगता है तो उसकी खुशबू पूरे जंगल में जाती है, जिसकी वजह से सारे बंदर उसे खाने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, और सभी लोग उसे खाने के लिए एडवर्ड के पास चले आते हैं। लूसी उन्हें वहाँ से भगाना चाहती थी, लेकिन एडवर्ड ऐसा करने से मना करता है, और इसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और रात वही गुफा में बिताते हैं, और वे लोग वहाँ पर खूब मस्ती करते हैं। सभी लोग काफी खुश थे, और राजा वान्या कई दिनों तक अकेले ही पेड़ पर बैठा होता है। वहाँ के सभी लोग एडवर्ड के साथ रहकर काफी होशियार हो गए थे, और वहाँ पर बड़ी बड़ी लकड़ियों को जलाकर वो काफी मात्रा में आग जला रहे होते हैं। वहाँ पर धीरे धीरे एक बस्ती बनकर तैयार हो जाती है। सभी लोग वहाँ पर काफी खुश थे। तभी एक बार फिर वो विच अपनी काली शक्तियों की मदद से मधुमक्खियों को एडवर्ड के पास भेजती है, जो उन पर हमला कर देती है, और इस हमले में काफी भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मचने की वजह से वहाँ की सारी इमारतें गिर जाती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। इस बात से सभी लोग काफी उदास और गुस्सा होते हैं। तभी उन्हें विच की आवाज सुनाई देती है, तो सभी लोग अपने हथियार लेकर उसको मारने के लिए जाते हैं, और जब वो लोग उस पेड़ के पास पहुँचते हैं तो उसी को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडवर्ड उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। उनकी आवाज सुनकर की वानियो भी वहाँ पे आ जाता है, उसे देखकर उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है, और ब्रामेडिर अपने दो आदमियों को पेड़ को काटने के लिए भेजता है, और जैसे ही वो लोग उस पेड़ को काटना स्टार्ट करते हैं, उस पेड़ से लिक्विड निकलने लगता है। उस पेड़ को काटता देखकर वानी उन पर हमला कर देता है, और उनके बीच वहाँ पर फाइटर स्टार्ट हो जाती है।
और इस फाइट के दौरान वहाँ के पेड़ में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से रानी मृदुला पेड़ भी फंस जाती है, तो एडवर्ड रानी को खतरे में देखकर उसे बचाने के लिए जाता है, पर उसे बचाने में एडवर्ड खुद ही एक मुसीबत में फंस जाता है। एडवर्ड वहाँ सभी लोगों से मदद मांगता है, लेकिन आग लगने की वजह से लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एडवर्ड को किंग वान्या दिखाई देता है, तो वो उससे मदद मांगता है और उसी पेड़ में वही विच भी फंसी होती है और आग की तेज लिपटों में जलकर वहीं पर मारी जाती है। इधर वान्या एडवर्ड को बचा लेता है, लेकिन उनका घर पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया था। वानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एडवर्ड को बताता है कि वो बीच के साथ मिलकर उसे मारना चाहता था, लेकिन अब वो एडवर्ड को अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर लेता है और वह दोनों एक दूसरे के गले मिलते है। लेकिन अपने घर को बर्बाद देखकर वो काफी दुखी होते हैं। सभी को दुखी देखकर एडवर्ड उन्हें दूसरे घर के बारे में बताता है और उन्हें पहाड़ी के दूसरी तरफ ले जाता है, जहाँ पर हरा भरा एक जंगल होता है, जिसे देखकर सभी खुश होते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।